श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों आज शनिवार का दिन पड़ रहा है, साथ ही मानसिक शिवरात्रि पड़ी है। बहुत ही अच्छा दिन है आज, बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत ही अच्छा। पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया हुआ एक छोटा सा उपाय इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको करने से आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही जीवन की तमाम तरह के संकट कष्ट जो भी है विघ्न खत्म होंगे, साथ ही निर्धनता आपकी जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दर्शकों किस प्रकार से किस तरह से इस छोटे से अचूक उपाय को करना है इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में हर बार की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दर्शकों आज इस उपाय को आप लोगों को मात्र एक दीपक और साथ ही एक काली मिर्च से करना है। आज के दिन आप लोग इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मात्र स्नान करने के बाद में एक काली मिर्च लेनी है, साथ ही एक चौमुखी दीपक लेना है, तेल उसमें आप लोगों को डाल देना है, क्योंकि शनिवार दिन जो तेल होता है तेल का विशेष महत्व तो होता है सरसों वाले का, तो आप लोगों को उसे डालकर और आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो तो उसके नीचे जाना है, वहाँ पर जाकर उस तेल के दीपक को वहाँ जला देना है। साथ ही उस एक काली मिर्च को आप लोगों को भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए जीवन में तमाम तरह के संकट जो भी आ रहे हैं उनका स्मरण करते हुए आप लोगों को उस दीपक के अंदर डाल देना है और चुपचाप अपने घर आ जाना है। जीवन के तमाम तरह के जो भी संकट होंगे जल्द से जल्द खत्म होंगे, भगवान शनिदेव की महिमा प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा, विघ्न और बाधाओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो आप सभी इस छोटे से कार्य को अवश्य करें, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।